COPD. What is COPD? कोई बताएगा क्या? Guess करेगा क्या? Yes, राज जी बोलिए. What is COPD? Irreversible obstruction of urinary tract. Irreversible obstruction of airflow or airway throughout the lungs, known as COPD. But COPD का पहले full form? Chronic obstructive pulmonary disorder. Yes, my dear friend, what is COPD? Okay, COPD is nothing, chronic pulmonary obstructive disorder. That is any kind of obstruction in the lung for a long period, that this is known as COPD. Okay, COPD, irreversible obstruction of airway throughout the lungs, known as COPD. कैच करके सीओपीडी दो प्रकार का होता है. सीओपीडी और टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज द सीओपीडी के अंदर दो डिसीज आती है. सीओपीडी इज ओनली टर्म. ओके, एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द लंग्स वी कैन यूज द टर्म सीओपीडी, बट इट हैज मेनली टू डिसीज. ओके, फर्स्ट वन इज द क्रोनिक bronchitis. Chronic bronchitis and another one is emphysema. Very good. Emphysema. कोई कुछ पूछना चाहता है यहाँ पे? COPD are of two types, chronic bronchitis and emphysema. These both the diseases clinically same. Clinically same मतलब इनकी क्लिनिकल फीचर्स सेम, ऑलमोस्ट सेम कैच करके, बट पैथोलॉजिकली डिफर फ्रॉम ईच अदर. यस और नॉट? मतलब ये जो दो टाइप दिए गए, ये दो टाइप क्यों दिए गए? बिकॉज दे आर पैथोलॉजिकली डिस्टिंग, पैथोलॉजिकली डिफर, बट क्लिनिकली सेम. Clinically same, known as COPD. कोई कुछ पूछना चाहेगा? मतलब chronic bronchitis और emphysema का patient आया तो इसके clinical sign and symptom almost same होंगे, but इनकी pathology different होगी. That's why COPD are of two types, chronic bronchitis and emphysema. Any doubt guys? कोई कुछ पूछना चाहता है? Yes. Now, let's start. What is chronic bronchitis? क्या है chronic bronchitis? कोई बताएगा? Yes, what is chronic bronchitis? बोलो. Cough with expiration in three consecutive months in at least two consecutive year. Very good. Cough with expectoration. खांसी साथ में स्पुटम. Cough with expectorant most of the at least three consecutive month in a year. एक साल में minimum 3 महीने खांसी आनी चाहिए. खांसी के साथ कब? And लगातार and consecutive 2 years. मतलब इस सीजन में, सपोज ये विंटर का सीजन चल रहा है, इसमें 3 महीने तक पेशेंट को खांसी आ रही है, फिर डिसअपीयर हो गई. नेक्स्ट अगले साल फिर 3 महीने, मिनिमम 3 महीने खांसी आ रही है. तो एक ईयर ये हो गया, एक नेक्स्ट ईयर हो गया, 2 साल लगातार और 1 साल में लगातार 3 महीने तक यदि खांसी आती है, टर्म एज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. कैच कर गए? ओके, तो कफ विद एक्सपेक्टोरेशन मिनिमम एटलीस्ट 3 consecutive months इन अ ईयर and 2 consecutive years, known as chronic bronchitis. कोई डाउट? पूछना चाहते हैं? यहां पे आपको याद करने के लिए, समझने के लिए शॉर्ट में लिखता हूं.
मिनिमम मोस्ट अ डे, मोस्ट अ डे मतलब लगभग रोज, ज्यादा से ज्यादा डे मोस्ट अ डे, एटलीस्ट मिनिमम 3 कॉन्सेक्यूटिव मंथ, 3 कॉन्सेक्यूटिव मंथ इन अ ईयर, इन अ ईयर एंड 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर. नॉट गेटिंग गाइस? नोन एज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. कैच कर गए? इन शॉर्ट यू कैन से दैट इफ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कफ विद एक्सपेक्टोरेशन मिनिमम 2 ईयर नोन एज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. एनी डाउट? कोई कुछ पूछना चाहेगा? राज, कोई डाउट? सर, 3 कंसेक्यूटिव मत ना, नहीं डायरेक्ट 2 कंसेक्यूटिव करे तो भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. नहीं नहीं, ये तो ये इसका मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये तो आपको बतानी पड़ेगा कि 3 कंसेक्यूटिव मंथ इन अ ईयर एंड 2 कंसेक्यूटिव ईयर, ये तो आपको बोलना ही पड़ेगा. जब इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये आपको बताना ही पड़ेगा. बिलाओ से पूछना चाहते हैं नोन एज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. बेटा हो गया? यस. Each and everything mentioned in the notes. Okay. Photocopy हो गया? नहीं अभी नहीं. Okay. करवा लीजिए. जल्दी करवा लीजिए. Okay. Yes. चलिए बढ़ते आगे. Now. Etiology. Okay. Heading is cause. बोलिए कोई cause बोलेगा? First cause is smoking. Smoke. सेकेंड या जेनेटिक भी हो सकता है. बिल्कुल सही. जेनेटिक, हाँ, अल्कोहल एंड फैमिलियर. हाँ, अल्कोहल इनडायरेक्टली हो सकता है, डायरेक्ट कॉज नहीं होगा. पहला कॉज है स्मोक, धुआं, सिगरेट, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट. इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट में फॉर एग्जाम्पल कहीं बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है तो वहाँ पे स्मोक फॉग बहुत ज्यादा होगा, फ्यूम बहुत ज्यादा होगा, कहीं पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है लाइक दिल्ली, गाड़ियां बहुत ज्यादा. यस और नो? यस. स्मोक इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट, एयर एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट. यस और नो? कैच कर ले. गुड. व्हाट अबाउट नेक्स्ट? और क्या हो सकता है? कोई भी हिस्ट्री हो उसको लॉन्ग टर्म, कोई भी उसको लंग डिसऑर्डर हो लाइक टीबी हो, निमोनिया हो, उससे सीओपीडी हो सकता है. एक हो सकता है जेनेटिकल डिसऑर्डर. क्या होता है जेनेटिकल? जेनेटिकली मतलब किसी को फैमिली से चली आ रही है. इसमें मेनली एक आता है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है. क्या हो जाती है? अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है. जेनेटिकल एंड फैमिलियर में आता है. कोई डाउट गाइस? पक्का? पहला कारण है स्मोक, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट, एटमॉस्फेरिक. यस और नो? कैच कर गए? यस. दूसरा कारण है एनी काइंड ऑफ इरिटेशन. यस. लॉन्ग टर्म इंफेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तीसरा जेनेटिकल एंड फैमिलियर, दैट इज अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन एंजाइम डेफिशिएंसी. कैच कर गए क्या? ओके. पक्का? यस. दीज आर दी कॉज फॉर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. नाउ टाइप ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आर ऑफ 2 टाइप. कितने प्रकार का होता है? क्रोनिक
पॉइंट इज आर ऑफ टू टाइप क्लियर आ रहा है बेटे समझ में? गुड। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। ओके, यदि किसी को सिर्फ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो और साथ में क्या हो रहा हो, कफ आ रहा हो, एक्सपेक्टोरेशन आ रहा है, तो आप उसको बोलेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस विद कफ। कैच कर रहे? या उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस विद ऑब्स्ट्रक्शन। एनी डाउट? कैच कर रहे? क्योंकि सीओपीडी में मेनली क्या और ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस दो प्रकार का होता है। पहला है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस विद ऑब्स्ट्रक्शन। यदि ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये फर्स्ट टाइप, यस। और यदि उसको अस्थमा के कारण ब्रोंकाइटिस हुआ है तो उसको बोलेंगे क्रोनिक अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस। एनी डाउट गाइस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस? इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? How to differentiate between chronic bronchitis and chronic asthmatic bronchitis? तो chronic bronchitis में सबसे पहले कफ आएगा, कफ followed by wheezing। क्या आएगा? जिसमें सबसे पहले क्या आएगा? कफ, then followed by हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। एनी डाउट गाइस?
इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल ऑफ एयर वे थ्रू आउट द लंग, यस और नो, मे लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन. क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन मे लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन. सर कैसे वो ऑब्स्ट्रक्शन हमको समझ में नहीं आया, तो फिर से सुनिए. सपोज ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है राज, सपोज स्मोकिंग किया बंदे ने, जैसे ही ये स्मोक अंदर जाएगा कंटिन्यू इरिटेशन होगा. कैच कर गए? इरिटेशन होने के कारण पहले हमारी बॉडी यहां पर कुछ फ्लूड सिक्रीट करेगी. कैच कर गए? ये फ्लूड सिक्रीट होगा और ग्रेविटी के कारण नीचे जाएगा. यहाँ पर एल्वेलाई होता है. क्या होता है? एल्वेलाई. ये यहाँ जाकर इकट्ठा होने लग जाएगा. बोलो यस और नो. कैच कर गए? इस सिक्रीशन को कंटिन्यू और ज्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ की सेल का साइज बढ़ेगा. फिर क्या होगा? सेल का साइज बढ़ेगा. तो पहले सेल का साइज ये था, बाद में सेल का साइज कुछ ऐसा हो जाएगा. कैच कर गए? और ये वाली सेल का भी साइज बढ़ जाएगा. जब सेल का साइज बढ़ेगा दोनों तरफ से हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया होगा, तो नैरोइंग ऑफ एयर वे हो जाएगा. अब यहां से हवा को निकलने में दिक्कत होगी. बोलो यस और नो. कैच कर गए? जिससे ओवरऑल पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक एल्वेलाई भी ब्लॉक हो गई और आपका ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्रैक भी ब्लॉक हो गया और एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द लंग, दैट डिजीज इज नोन एज सीओपीडी. यस और नो? दैट इज ब्रोंकाइटिस. एनी डाउट? कैच कर गए? ब्रोंकाइटिस. This means inflammation, inflammation of bronchus. Yes or not? Known as bronchitis. Long term chronic bronchitis. Very good. So, सबसे पहले क्या हुआ? Irritation. Irritation होने के कारण वहाँ पे fluid secrete हुआ. Fluid secrete होने के कारण वहाँ की cell का size बढ़ेगा, क्योंकि fluid secrete करना है. उस fluid secretion continue इतना ज़्यादा होगा, इसलिए वो अपना number और size बढ़ाएगा. नंबर ऑफ साइज और फ्रूट ज्यादा सिक्रीट होने के कारण ओवरऑल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा. ये ऑब्स्ट्रक्शन इररिवर्सिबल होगा. कैसा होगा? इररिवर्सिबल. यस और नो? नोन एज ब्रोंकाइटिस. कैच कर दें क्या पक्का? अच्छा, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे कोई बताएगा क्या? साइन एंड सिम्टम्स. पहला सिम्टम, चलो डिस्पिनिया. वेरी गुड. फिर टैकीपिनिया. टैकीपिनिया आप क्या बोले? सेंट्रल साइनसिस. हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया से हो जाएगा सेंट्रल साइनोसिस. वेरी गुड. सेंट्रल साइनोसिस. और नेक्स्ट फिर रेजोनेंट वॉइस हो जाएगा. यस, वॉइस में रेजोनेंस आवाज आने लग जाएगा. ऐसा नो? रोंकाई आने लग जाएगी, वीजिंग आने लग जाएगी. वेरी गुड. वीजिंग. फिर हाइपोटेंशन. क्यों? हाइपरटेंशन हो जाएगा. हाइपरटेंशन हो जाएगा. ठीक है, हाइपरटेंशन. टैकीकार्डिया एक चीज होगी. नेक्स्ट फिर चेस्ट पेन नहीं होगा? होगा कि नहीं? Yes. Core activity is भी होगा, but when अपन पहले COPD के लिए chest pain होगा, hemoptysis होगा कि नहीं? Obviously, hemoptysis होगा. Yes or not? Cough, sputum ज्यादा आएगा. बोलो yes or not? Yes or not? कैसे करें? Cough बहुत ज्यादा आएगा. Yes or not? Sign क्या होगा? स्पेशली साइड तो 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट करवाएंगे. क्या करवाएंगे? ये क्या होता है पेशेंट को आ रहा समझ में? 6 मिनट तक चलने को बोलेंगे. ऐसा नो? जैसे ही चलेगा तो क्या होगा, उसकी बॉडी एक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे उसका सांस जल्दी जल्दी लेना का होगा. बॉडी एक्टिविटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी. उस ऑक्सीजन डिमांड को कंपनसेट करने के लिए वो प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाया. इसको
आपसे पेपर में पूछा जाएगा किस डिजीज में 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट करवाते हैं, तो बोलना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। कैन यू नाउ तो पूछना चाहते हैं दीस आर द साइन डिटेल सीन बाय डॉक्टर 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट कैसे करें। इसके बाद आप और क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप स्टेथोस्कोप से लंग में जब सुनेंगे तो आपको क्रिपिटेशियस साउंड सुनाई देगा, क्योंकि लंग में क्या है फ्लूइड भरा हुआ है ना, हवा बुलबुले बबल सुनाई देंगे, ऐसा ना क्रिपिटेशियस साउंड कहां पर एट द बेस ऑफ लंग। यस हाँ परकसन आप ढंग से कैसे टोकी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ थे कल पानी के टप 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 या सर आवाज होगी कैसे करेंगे नेक्रोसिस भी होगी ना सर ऑब्वियसली नेक्रोसिस भी होने लग जाएगी बाद में कैसे करेंगे। चलो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन बताइए कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हैं। सबसे पहला सीबीसी करेंगे। चलो सीबीसी में क्या आएगा ल्यूको साइटोसिस यस और नॉट, फिर क्या करेंगे ईएसआर बढ़ा हुआ आएगा एनीमिया हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है चलिए एक्सरे स्टार्ट कर देते हैं। वेरी गुड एक्सरे एक्सरे में क्या आया ट्रांसल्यूसेंसी बढ़ जाए ट्रांसल्यूसेंसी आई इसके अंदर फ्लूइड बढ़ा हुआ है सो नॉट ट्रांसल्यूसेंसी ओके फिर नैरोइंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यस और नॉट हाइपरकलेशन दिख ही नहीं क्या नैरोइंग दिख जाता है अभी हाइपरकलेशन दिख जाता है एक्सरे नहीं एक्सरे में नहीं दिखेगा नैरोइंग दिखेगा आपको ओके बट उसके कारण आपको क्या दिखेगा सिटिंग ऑफ लंग क्यों क्योंकि ओवरऑल पूरे लंग में साइज बढ़ा हुआ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है इसके कारण आपका हार्ट भी कंप्रेस दिखेगा तो आपका जो हार्ट दिखेगा वो ओवर इन शेप दिखेगा कैसे दिखेगा ऐसा लगेगा कि लंग उसको कंप्रेस कर रहा है यस और नॉट ये एक्सरे में दिखेगा हार्ट का साइज एबनॉर्मल हो जाएगा तो हार्ट कैसा दिखेगा सिलेंड्रिकल कैसा दिखेगा सिलेंड्रिकल बोलो नहीं आना समझ में। इसके बाद आप सीटी स्कैन करवा लेना एमआरआई करवा लेना इसके बाद स्पूटम कल्चर करवा लेना क्या करवा लेना स्पूटम कल्चर करवा लोगे जिससे आपको वहां पे बैक्टीरिया वगैरह कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन होंगे वो दिख जाएंगे ये सब टीवी का बैक्टीरिया जो भी होगा वहां पे दिख जाएगा जो टीवी की मेनली मेल्टॉक्स करते हैं ओके नेक्स्ट फिर ब्लड कल्चर आप करवा सकते हो कोई बात ब्लड कल्चर भी करवा ब्लड कल्चर में आपको यदि कोई इंफेक्शन होगा तो वो दिख जाएगा बोलो हाँ Yes? इसके बाद आप पल्मोनरी टेस्ट करवाओ क्या करवाओगे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में आपको क्या दिखेगा पता है क्या दिखेगा सबसे पहले उसकी वाइटल कैपेसिटी कम हो जाएगी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है मैक्सिमम सांस लेने और छोड़ने की क्षमता तो ना तो वो प्रॉपर तरीके से सांस ले पाएगा ना प्रॉपर तरीके से छोड़ पाएगा फोर्सफुली इन फोर्सफुली आउट वाइटल कैपेसिटी कम हो जाएगी फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कम हो जाएगा क्या कम हो जाएगा फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कम हो जाएगा मतलब तेजी से सांस छोड़ना कम हो जाएगा। कैसे देखते हैं कैसे देखते हैं आपके लिए इसके लिए स्पायरोमीटर आता है उसको ऐसे लगा देते हैं पेशेंट कहते हैं तेजी से सांस जैसे सांस छोड़ेगा तो उधर जो रहता है पीछे आ रहा था जो ऊपर नीचे होता जाता है एक्सीलेटर लगा हुआ होता है सो बीपी का है लाइक दैट आप ऐसे डायरेक्ट देख सकते हैं कैच करके कॉलेज में भी स्पायरोमीटर है जो कहा यस ठीक है कैसे फूकेंगे तेजी से फोर्थ एक्सपायरेटरी वॉल्यूम हो गया कैच करके इंस्पायरेटरी रिजल्ट वॉल्यूम हो गया ठीक है तो फोर्थ एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कम आएगा ओके लंग कैपेसिटी कम आएगी बोलो हाँ ना लंग कैपेसिटी क्या होगी लंग की होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम एयर कितनी कैरी कर सकता है लंग कैपेसिटी डिक्रीजेस सिर्फ एक वॉल्यूम बढ़ा हुआ आएगा उसका नाम है रिड्यूस्ड
या इंस्पिरेशन वॉल्यूम नो नो जो रिमेनिंग वॉल्यूम होगा हमारा समझ जो बड़ा हुआ आएगा क्यों रेसिडुअल वॉल्यूम क्यों रेसिडुअल वॉल्यूम इसलिए क्योंकि हवा चली तो गई है निकल नहीं पा रही ऑब्स्ट्रक्शन के कारण यस और नो उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम क्या बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम ये रेसिडुअल वॉल्यूम बड़ा हुआ आएगा कैसा आएगा राजी बड़ा हुआ आएगा व्हाई बिकॉज एयर कैन गो इनसाइड बट कैन नॉट कम ओके सो द रिमेनिंग लंग्स द रिमेनिंग एयर प्रेजेंट इन द लंग दैट अमाउंट इज नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम एंड आउट फर्स्ट ईयर मैंने आपको पूरा लंग वॉल्यूम कैपेसिटी बोर्ड देखने में पढ़ाया था यस और नो गाइस यस रेसिडुअल वॉल्यूम एज कर लेंगे क्या दीज आर द इन्वेस्टिगेशन which can perform in the case of chronic bronchitis patient yes or not okay what about the treatment kya karoge treatment koi batayega treatment guess karega koi bilkul sahi excellent bronchodilator denge kyun because narrowing of respiratory tract to sabse pehla hai ki usko infection hai to kya doge antibiotics yes or not दूसरा एंटीबायोटिक में क्या पेनिसिलिन दे दो सिफेलोस्पोरिन दे दो एजिथ्रोमाइसिन दे दो क्लेरिथ्रोमाइसिन दे दो लाइक मैक्रोलाइड या तो नॉट फिर एंटीबायोटिक के बाद ब्रोंकोडायलेटर क्यों देंगे जिससे पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक को डायलेट कर देगा फिर नेक्स्ट एनसेड देंगे एनसेड क्यों देंगे चेस्ट पे नेक्स्ट फिर म्यूको लाइटिक म्यूको लाइटिक एजेंट देंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूको लाइटिक सिक्रीशन कम करना बिल्कुल गलत म्यूको लाइटिक म्यूकस को तोड़ने वाला है एजेंट लाइटिक मीन तोड़ना यस और नॉट आप जो बोल रहे हैं म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ाना उसको बोलते हैं म्यूको एनहांसर Yes, ये म्यूकोलाइटिक एजेंट है जो म्यूकस उसको ऑलरेडी बना हुआ है उसको तोड़ेगा जिससे वो पतला होकर बाहर आएगा बिकॉज ऑलरेडी आई रिटर्न हिट डिस्कस थ्रू यस और नॉट म्यूकोलाइटिक एजेंट नहीं आओ ब्रोमोहेक्सिन यस देंगे इसका यस कप में ऑलरेडी फार्माकोलॉजी पढ़ाया मैंने आपको कप दो चैप्टर जो उसमें पहला कप देन ब्रोंकियल यस और नॉट यस ब्रोमोहेक्सिन वगैरह देंगे बट ध्यान रखना नेवर गिव कफ सप्रेसेंट नहीं देंगे नॉट मतलब खांसी आ रही डॉक्टर साहब तो खांसी के लिए ऐसी दवाई मत दे देना कि कफ सप्रेसेंट दे दिया आपने क्यों बताइए ऑलरेडी पेशेंट को कफ है और मैं आपको बोल रहा हूं कि उसको दवाई कफ की मत दे देना मतलब कफ सप्रेसेंट मत दे देना क्यों कैसे बढ़ेगा आप तो सप्रेस कर रहे हो सप्रेस करने से तो कम हो जाना था बढ़ गया फिर हाइपरट्रोफी बढ़ सकती है नहीं कैसे राज और कैसे करें अरे मैं बताता हूँ दिमाग ही नहीं लगाने आपको आपने कप को तोड़ा अब उस कप को जो पानी जैसा हो गया उसको निकालने के लिए खांसना जरूरी है ना यदि वो खांसेगा नहीं तो अंदर फ्लूड और बढ़ता इकट्ठा जाएगा बोलो हाँ ना पेशेंट जब आता है तो करता है उसको खांसने पर तभी तो बोलते हैं जब पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम होता है तो बोलते हैं नहीं नहीं आप जो म्यूकोलाइटिन ड्रग दोगे इससे म्यूकस पतला होगा उसको खांसी आनी चाहिए खांसेगा तो वो कब बाहर आएगा तो वो छूटते जाएगा बाहर या सब नॉट और नहीं तो यदि आप उसको कब सप्रेशन कर दे उसको खांसी नहीं आएगी खांसी नहीं आएगी तो क्या होगा सिर्फ खांसी नहीं आ रही है तो है ना तो वो ऑब्स्ट्रक्शन और बढ़ता जाएगा इसलिए नेवर गिव कब सप्रेशन दिस इज द मेन क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली आस्क्ड बाय बाकी केस में भी
तो देखते हैं तब भी तो उनका होता होगा ना रहता है बट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस तो ऑब्स्ट्रक्शन का केस है ना इसलिए नेक्स्ट और क्या दे सकते हैं ऑक्सीजन थेरेपी देंगे कि नहीं कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑक्सीजन थेरेपी देंगे कि नहीं हां देंगे ऑक्सीजन कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप पैलिएटिव लाइक दे सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं प्रेडनिसोलोन तो वैसोडायलेटर क्यों यदि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है यदि पेशेंट इसको ठीक नहीं हुआ तो इससे क्या हो सकता है सांस रुक जाएगी मर सकता है डेथ हो सकता है उसको रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है अनेबल टू ब्रीथ वेरी गुड दूसरा जब कंटिन्यू सीक्रीशन अंदर इकट्ठा होगा एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड जिससे क्या होगा ओवर इन्फ्लेशन ऑफ एल्वियोली जिससे हो जाएगा एम्फाइजीम और क्या जाएगा और एक दिन क्या होगा एल्वियोली फट जाएगी यस और नो अच्छा न्यूमोथोरैक्स बुल्ला फॉर्मेशन यस और नो जब लंगी फट गए तो फिर क्या नहीं इससे टीबी नहीं होता है टीबी तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है यस और नो कैच करके दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक